नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीएम शिवराज ने किया 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान। कमलनाथ बोले, मेरी घोषणा से कम हुए दाम। शुक्रवार 1 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नीचम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने सिलेंडर के दाम कम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को और भी कम दाम करना चाहिए ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। विधानसभा चुनाव के पहले गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन धारी को 400 रुपए की राहत पहुँच गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसे लेकर कैबिनेट में भी फैसला ले लिया गया है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस मैदान में कूद गई है। अभी तक 250 करोड़ घोटाले की लिस्ट आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 18 साल बाद चुनाव आते ही बहनों की याद आ गई। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों और अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं को भी चुनावी वादे करार दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तक 250 करोड़ घोटाले की लिस्ट आ चुकी है। चुनाव के पहले यह लिस्ट और भी बढ़ सकती है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का दर्द भी छलक गया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में वे भी सौदा कर अपनी कुर्सी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी कर अपनी कुर्सी को नहीं बचाया। कमलनाथ ने दिया 50 महीने का हिसाब। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में 15 महीने ही चल पाई। इस दौरान 2.5 महीने लोकसभा चुनाव के आचार संहिता में चले गए, जबकि 11 महीने 5 दिन में सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 50,000 किसानों को पहली किस्त में ही कर्ज माफ कर राहत पहुंचाई गई। उन्होंने अभी कहा कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भी दी गई। इसके अलावा 1,000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मध्य प्रदेश पर सत्ता में काबिज हैं, लेकिन वे उनसे 20 महीना का हिसाब मांग रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।